अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हुआ है जिसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि वो देश के गृह मंत्री रहते हुए खुद देश को टुकड़ों में करने की बात कर रहे हैं। वीडियो को यूजर्स सच मानते हुए शेयर कर रहे हैं, पर क्या सच में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कोई बयान दे दिया है? नहीं, ये वीडियो अधूरा है जिसे गलत तरीके से शेयर किया जा रहा है। वीडियो की पड़ताल के लिए हमने इसकी ओरिजिनल वीडियो को ढूंढा जिसमें अमित शाह एक चैनल पर सम्मेलन के दौरान बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान साउथ में बीजेपी और पार्टी के एजेंडे के साथ ही चुनावी हालात पर वो अपनी बात कह रहे थे। इसी में उनसे सवाल पूछा जाता है कि इस बार के चुनाव पर वहाँ से उनकी क्या अपेक्षा है, जिस पर जवाब देते हुए वो ये कहते हैं और राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए वो बोलते हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी है देश के दो टुकड़े होने चाहिए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। अमित शाह ने बेंगलुरु ग्रामीण के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश को भी निशाने पर लिया क्योंकि डीके सुरेश ने दक्षिण भारत के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी। इसलिए देश के दो टुकड़े करने वाले अमित शाह का ये बयान फेक तरीके से वायरल है।